किया था, आज फिर करेंगे। ये आपके पास है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट मेथड ये है हमारे पास। सेकेंड हमारे पास क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। एंड थर्ड हमारे पास क्या है, सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। सर जी सर, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो मतलब हम पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, वैसे तो हट गया ना बोर्ड के सिलेबस में से। ने कहा इक्वेशन सॉल्व करना है। अब ये डिपेंड करेगा, आपको अगर इजीली इससे सॉल्व करना आता है तो आप इससे सॉल्व कर देंगे, बोर्ड मना नहीं करेगा मार्क्स देने के लिए। ओके सर। बट ये आपका फास्टेस्ट मेथड होता है बेटे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जी ये सबसे फास्टेस्ट मेथड है। और कुछ जो क्वेश्चंस हमारे पास अल्फाबेटिकली होते हैं वो इसी मेथड से होते हैं। अगर अपने आपको अपने क्वेश्चन को एक मिनट के अंदर सॉल्व करना है तो दैट इज द बेस्ट मेथड। इजीएस्ट मेथड जो है वो एलिमिनेशन मेथड है, फास्टेस्ट मेथड जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दूसरी बात, हमने आपसे कहा है कि जो चीजें हमारी आगे काम आनी है वो हमें पता होना चाहिए। आगे बहुत सारे 11th 12th में अगर आपके पास मैथ्स रहेगा, फास्टेस्ट कैलकुलेशन के लिए आपको इस मेथड की जरूरत रहेगी। ठीक है सर, तो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। देखो जरा ध्यान से जी सर, ये मेथड्स हैं क्या। बच्चे थोड़ा सा जाग जाइए, कॉपी पेन ले लीजिए, अच्छा है साथ साथ पेन चलाएंगे तो समझ में आएंगी चीजें। वैसे तो ये रिकॉर्ड हो रहा है। फिर भी आप एक्टिव रहें ज्यादा अच्छा। ये आपके पास है, ठीक है सर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हमारे पास क्या है, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, बेसिकली होता क्या है, मैंने कल जो आपको कहा था कि सपोज करो अगर आपके पास इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व हो तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो, यस और नो। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल हम इजीली सॉल्व कर सकते। तो हमारे पास बेटा यही एक मेथड बचता है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं ये टू वेरिएबल ना रह के वन वेरिएबल हो जाए, तो फिर एक वेरिएबल को आप कैसे रिमूव कर सकते हो, वो वाली चीज होगी। तो आप क्या कर सकते हो, पहला मेथड है बाई सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। So to remove one variable from these two equation, we use substitution method. करना वो ही है कि हम एक variable को eliminate करना चाहते हैं। और दूसरा method हमारा रहेगा elimination by equating the coefficient. ये हमारे पास दोनों method हैं, but दोनों elimination के ही part हैं। NCERT इनको अलग अलग कहने लगा, but ये दोनों elimination ही हैं। तो पहले देख लीजिए, हमारे पास क्या है, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ये आप मेंशन करिए अपने सॉल्यूशन को अच्छा लिखने के लिए 1, ठीक है। जब हमारा इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, आप इसे मेंशन करिए इक्वेशन 1। ये हमारा यहाँ से हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया है। एंड सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको आप मेंशन करिए 2। अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहां पे इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होंगे, ax plus by plus c की फॉर्म में नहीं होंगे, तो उसको वहां से 1 मत कहिएगा जब तक कि आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ना कर दें। अब एक अटेंडेंस तो मैं आपकी अब ले रहा हूं और एक इंशाल्लाह क्लास के एंड में लूंगा, तो जो बीच में गायब रहेंगे वो गायब ही रहेंगे, फिर वही अटेंडेंस आपकी मार्क होगी इंशाल्लाह।
ये हमारे पास है, तो हम क्या करते हैं, आउट ऑफ दीज टू इक्वेशन आपको किसी भी एक इक्वेशन को लेना है और उससे आप किसी भी एक वेरिएबल को फाइंड कर सकते हैं, आइदर एक्स और वाई फ्रॉम एनी वन ऑफ दीज टू इक्वेशन। तो यहाँ इजी था, हम सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रॉम टू। तो फ्रॉम टू मैं क्या कह सकता हूँ, वाई मेरा माइनस में है टू में, वाई को मैं राइट साइड ले जा सकता हूँ। मैं इस वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ टू की, तो वाई को अगर मैं राइट साइड ले जाऊंगा तो वो प्लस हो जाएगा, एक्स विल बी फोर प्लस वाई। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ y। हमें आइडेंटिटी को चेंज करना होता है, मतलब एक मेरी आइडेंटिटी है एज ए नूर नवाज, आप मुझे नूर नवाज नहीं कहना चाहते, मैं नाम नहीं बोलूंगा, आप कह सकते हो टीचर ऑफ स्टडी पॉइंट, डायरेक्टर ऑफ स्टडी पॉइंट, ब्रदर ऑफ नवाज सर, तो लाइक दिस। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टर्म इन अनदर टर्म, अनदर फॉर्म। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, x इज नॉट x बट इट इज 4 प्लस y। तो ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है, वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। तो इसको आपने कहा इक्वेशन थ्री। ये जो वैल्यू ऑफ एक्स आई है ये टू से आई है, तो इस वैल्यू को हमें पुट करना है इन वन या सब्स्टिट्यूट करना है इन वन, तो पुट इन वन और कहानी खत्म। तो यहाँ से जो हमारी एक्स की वैल्यू आई है उस एक्स की वैल्यू को यहाँ हमें वन में प्लेस करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फोर प्लस वाई प्लस वाई is equals to 14। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया 2y is equals to 14 minus 4 is 10। 2 से आप divide करेंगे तो 10 by 2 is equals to 5। जो भी y की value आएगी उसको आप direct third में रख दीजिए, third ये है आपके पास। So x equals 9। Yes, तो x is equals to 4 plus 5 that is 9। तो ये हमने कल भी discuss किया था, आज भी। तो मैं एक और क्वेश्चन इसी मेथड से ले रहा हूँ, फिर नेक्स्ट टू मेथड्स लूंगा। दोबारा से देखिए बेटा प्लीज, और अब मेरे साथ कैलकुलेट करिएगा। चलिए इसको लेते हैं, इसमें बच्चों को जरा प्रॉब्लम है। ये देखिए ये इक्वेशन, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ आप सबके लिए आसानी के लिए देख लीजिए, मैं लिख रहा हूँ 3x by 2 minus 5y by 3 is equals to minus 2। ये इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax plus by is equals to c, बट यहाँ पे नंबर्स फ्रैक्शंस में हैं, ठीक है। मैं इसको रफ लैंग्वेज में कहता हूँ कि यहाँ पे टांगे निकली हुई है और इससे हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करते हैं, टांगों को रिमूव कर देते हैं। तो इजी पार्ट क्या है कि आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम अगर आप लेंगे तो एलसीएम होगा 3 2 6, 3 से आप बेटे मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9x, 2 से आप बेटे मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10y = -2। तो फाइनली जो इक्वेशन आपके पास आएगी दैट इज 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस 12। अब ये है प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म। मैं आपसे कहता हूँ बेटे यहाँ लिखिए इक्वेशन वन, ठीक है। फर्स्ट को वहीं से वन करेंगे तो इसको सेकंड करेंगे, नेक्स्ट को थर्ड करेंगे, बहुत लेंथी पार्ट हो जाता है। हमारे पास क्या है, हमारे पास दूसरी इक्वेशन दी हुई है, नाउ वी हैव x by 3 प्लस वाई बाई टू इज इक्वल्स टू 13/6। बहुत सारे बच्चे हमें ये कहते हैं कि सर मैथ से हमें मिलता क्या है, तो मैथ से सबसे पहली चीज अगर कुछ मिलती है तो वो मिलता है कंसंट्रेशन, कि आप अपने क्वेश्चन पे अपनी प्रॉब्लम पे कितना फोकस कर रहे हो। सब बच्चे जो कहते हैं ना, जो अब तक आपने फेस किया होगा, वो आप कहते हैं सिली मिस्टेक्स, तो सिली मिस्टेक्स नहीं होता, फोकस का जिसे कहना चाहिए जी, ये फोकस हमारा अगर वहां पे नहीं रहेगा तो हम सिली मिस्टेक करते हैं। तो मेन पार्ट है कंसंट्रेशन, कहीं पे आप एलसीएम में गड़बड़ कर देंगे, कहीं पे आप राइट साइड लेफ्ट साइड ले जाते हुए रखेंगे, तो हर पॉइंट पे रखना है। और ये कंसंट्रेशन कहाँ यूज होगा, मैं अपने बच्चों को एग्जांपल देता हूँ कि सर कहाँ जरूरी है कंसंट्रेशन की। खुदा ना खास्ता गलती से अगर आप सर्जन बन गए, है भाई गलती से चाहते हैं आप बनना, हाँ सर, गलती से अगर आप सर्जन बन गए
और बन गए आप कार्डियक सर्जन, हार्ट स्पेशलिस्ट, और आप सर्जरी कर रहे हैं, और थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए, सीली मिस्टेक जिसे आप कहते हो, तो क्या होगा पेशेंट का? हाँ जी, आत्मा, आत्मा। सोचो पेशेंट कहाँ जाएगा, तो इसे कहते हैं कि सीली मिस्टेक नहीं करनी है। पहले तो सर एलसीएम लेंगे। हाँ जी बिल्कुल, पहले एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 6, आपके पास आ जाएगा 2x + 3y = 13/6। अगेन 6 कैंसिल, सो वी हैव 2x + 3y = 13। तो आप यहाँ तक तभी पहुंचेंगे जब आपका कंसंट्रेशन सही होगा। तो अब यहाँ से हमारी पार्ट शुरू होगा बेटे, ठीक है? आपके पास क्या है, 9x - 10y = -12 एंड 2x + 3y = 13, ये हमारे पास है, ठीक है? लेकिन हम थोड़ा सा आगे आगे सब्स्टिट्यूशन में, हमें इसकी जरूरत नहीं थी, चलो इसको सब्स्टिट्यूशन से नहीं कर रहे, सब्स्टिट्यूशन से बाद में करेंगे। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, तो अब हम क्या करते हैं, हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखिए। मैं इक्वेशन को दोबारा से लिख रहा हूँ, मेरे पास क्या है 9x - 10y, सब्स्टिट्यूशन से दोबारा से लिखूंगा क्योंकि मुझे उसमें इसको सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं थी। और मेरे पास क्या है 2x + 3y = 13। ये हमें इक्वेशंस को ध्यान में रखना होता है। अब हम बात कर रहे हैं एलिमिनेशन बाय, मैंने आपसे कल भी कहा था बेटे कि आपको जो टर्म दिया हुआ है उसकी वैरी, उसकी वो लेनी है मीनिंग, By equating the coefficient, ये हमारे पास है। तो coefficients जो हमारे पास होते हैं वो दो हैं, x के coefficients हैं या फिर y के coefficients हैं। तो हम क्या चाहते हैं? जी बोलिए सर, जैसे 9x और 2x है, प्लस प्लस है, तो माइनस होके कट जाएंगे। ऐसा सुनिए पहले फिर बोलिए, ठीक है बेटे? पहला 9x है, दूसरा 2x है, ना कटेंगे ना ऐड होंगे ना सब करेंगे, ठीक है? अभी नहीं कटेंगे। हमारे पास क्या है, हमें एलिमिनेट करना है, मतलब किसी एक वेरिएबल को गायब करना है बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स मींस आपको कोफिशिएंट को इक्वल करना है बेटे, ध्यान से सुन लीजिए प्लीज सब बच्चे। हमारे पास दो कॉफिशेंट हैं, x के कॉफिशेंट हैं या y के कॉफिशेंट हैं। तो x के कॉफिशेंट हमारे पास क्या है, एक जगह 9 है और एक जगह 2 है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको इक्वल कर दें, या फिर ध्यान से देख लीजिए y का कॉफिशेंट है 10 है या 3 है, हम कोशिश करेंगे कि इसको इक्वल कर दें। तो कॉफिशेंट को इक्वल कैसे किया जा सकता है, असल में क्या है मैथ्स में आप कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कर सकते। अगर तो प्लस कर रहे हैं, अगर प्लस कर रहे हैं तो माइनस। श्रेया अपने आप को म्यूट कर लो प्लीज, जब मैं कहूंगा तब बोलना, म्यूट कर लो, इतना मत सुनिए, पहले सुन लीजिए प्रॉपर मेथड, फिर आपको जो आता है फिर मुझे बता। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है बेटे कि या तो हमें x का कोफिशिएंट इक्वल करना है या हमें y का कोफिशिएंट इक्वल करना है। मैंने आपसे कहा कि अगर इक्वेशन में आप प्लस कर रहे हो तो माइनस भी करो, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड भी करो। तो मैं एक नंबर्स को चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन है 9x - 10y = -12, और ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन है 2x + 3y = 13। तो आपको जो भी करना है पूरी इक्वेशन में करना है। तो अगर मैं x का कोफिशिएंट इक्वल करना चाहता हूँ तो मुझे 2 और 9 का एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 9 एंड 2। आप बताओ श्रेया एलसीएम कितना होगा 9 और 2 का, एलसीएम होगा 18। तो अगर आपको 9 को 18 करना है तो आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर 2 को 18 करना है तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर, यस सर। लेकिन ये हम कब कर रहे हैं, अगर हम चाह रहे हैं x को इक्वल करना, प्लीज समझ लीजिए। बहुत सारी जगह आप y को इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपकी स्पीड पे, आपकी सोच पे कि मुझे कौन सा आसान लग रहा है। मैं नहीं चाह रहा कि मैं x को इक्वल करूं, तो ठीक है मुझे क्या करना है, मुझे एलसीएम लेना है y वाला। एलसीएम मेरे पास 10 है y में और 3 है,
तो एलसीएम ऑफ 10 एंड 3 जो हमारा होगा वो होगा कितना बाई 10 और 3 का 30. तो आपको क्या करना है, आपको इनको 30 बनाना है. तो 10 वाले को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा. तो दैट इज द वे टू सॉल्व द इक्वेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट. तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, हम x को इक्वल कर रहे हैं. तो हमने आपसे क्या कहा कि इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखा तब हमने इनको 1 और 2 कहा था. तो ये दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, 1 और 2 ऑलरेडी हमारे पास लिखे हुए हैं यहां. ये तो सिर्फ मैंने आपको थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए हाईलाइट करने के लिए करना बताया था. तो x में हमारे पास फर्स्ट में 9 है और सेकंड में हमारे पास 2 है. तो ये जो इतना सारा मैंने लिखा है हमें इसकी जरूरत नहीं होगी, इसकी हमारे पास जरूरत नहीं होगी. आपको सिर्फ फोकस करना है कि x के साथ यहाँ क्या है और x के साथ यहाँ क्या है. LCM हो गया 18, तो आपको सिर्फ इतना मेंशन करना है, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 9. तो आपके पास क्या हो जाएगा, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 2 जा 18x. इसको ध्यान से देख लीजिए, आपके लिए रफली मैं लिख रहा हूं 1 के सामने किससे मल्टीप्लाई करें. तो हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करिए, 2 10 जा 20y एंड 2 12 जा 24. ये आपके पास आ गया. इसको आप थर्ड कहना चाहें थर्ड कह दीजिए, ठीक है, ना कहना चाहें मत कहिए. अब आप इसके पास इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 को जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आप 9 से कर रहे हैं. तो 9 2 जा 18x 9 3 जा 27y एंड 13 9 जा कितना होता है जी 117. ये बात यहां तक सबको समझ में आ गया? यस सर. अब प्लीज सबके सब बच्चे अब फिर दोबारा से ध्यान दीजिए. पहला काम हमने कोफिशिएंट को इक्वल किया है. अब जो बच्ची हमारी कह रही थी श्रेया कि होगा क्या, एक्चुअली अब आपको ध्यान रखना है कि आपने एक्स वाले को इक्वल किया है. अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको दूसरे वाले क्वेश्चन में. आपने एक्स को इक्वल किया तो आपको ये देखना है कि बोथ एक्स आर सेम साइन और अपोजिट साइन. दोनों के दोनों एक्स जो है वो दोनों सेम पॉजिटिव है या नेगेटिव है? दोनों पॉजिटिव है, दोनों सेम साइन, दोनों सेम साइन है. तो अगर दोनों सेम साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा काम है कि अब इसको कैंसिल करना चाहते हैं. देखो इधर ध्यान से, अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है 18x माइनस 20y और दूसरे ब्रैकेट में आपके पास लिखा हुआ है 18x प्लस 27y और आप चाहते हो x को रिमूव करना तो बीच में यहाँ माइनस करना पड़ेगा. लेकिन आप ध्यान से देखो, अगर पहले से ही आपका 18x अपोजिट साइन का हो, ठीक है, आपके पास ये ऐसे हो माइनस 18x प्लस 27y इन सेकंड ब्रैकेट, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 18x को ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. ये सब बच्चे ध्यान रखेंगे, इफ वी हैव द टर्म्स अपोजिट साइन वी हैव टू ऐड द इक्वेशंस, इफ वी हैव सेम साइन आइदर बोथ प्लस और बोथ माइनस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस. ये ध्यान रखेंगे आप सब बच्चे. तो अब हम क्या करेंगे सर, हम ये कर देंगे कि इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिर्फ एक टर्म लिखेंगे सब्ट्रैक्ट. लेकिन जैसे ही सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनर साइन चेंज हो जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. तो 18x माइनस हो जाएगा, प्लस 27y माइनस हो जाएगा, 117 माइनस हो जाएगा. ये इजीएस्ट मेथड होता है, अभी तुम्हें समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, बट ये इजीएस्ट है. तो 18x 18x कैंसिल, 20 एंड 27 माइनस 47y एंड 117 एंड 24 ये आपके पास हो जाएगा 141 माइनस में. आप ध्यान से देखोगे माइनस से माइनस कैंसिल होगा बेटे और 47 से ये 3 टाइम कैंसिल होगा, 3 टाइम्स में, तो सिंपली आपके पास आ जाएगा y = 3. तो इस तरह से हम अपने इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेटिंग द वेरिएबल, ठीक है, बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट. x को इक्वल करो या y को इक्वल करो. जब आप इक्वल कर चुके होते हैं फिर आपको देखना है कि दोनों साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट, दोनों साइन अपोजिट है तो ऐड. अब इस y = 3 को आप किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, जहां चाहे आप रख दीजिए. अगर आप इसको 3 4 मेंशन करना चाहते हैं करिए, नहीं करना चाहते हैं अब इजीली आप रख सकते हैं पुट इन 1. तो अगर आप 1 में रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 9x माइनस 10 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस 12. 10 3 जा क्या हो जाएगा भाई,
30 इस साइड जाके प्लस हो जाएगा तो 30 माइनस 12 18 होता है 18 30 माइनस 12 इज 18 तो 9x इज इक्वल्स टू 18 एंड x इज इक्वल्स टू 2 सिंपल 2 तो x आपका आ गया 2 और y आ गया आपका 3 ये हमारा आंसर है तो ये मेथड होता है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट थोड़ा बहुत समझ में आया दोबारा से देखिए ये हमारे पास इक्वेशन है 0.2x प्लस 0.3y is equals to 1.3 0.4x plus 0.5y is equals to 2.3 मैं दोबारा से लिख रहा हूँ जिससे कि आप फोकस करें कि है क्या हमारे पास 0.2x plus 0.3y is equals to 1.3 0.4x 0.5y is equals to 2.3 ये मेरा इक्वेशन 1 है ये मेरा इक्वेशन 2 है आप चाहें तो x को इक्वल कर सकते हैं आप चाहें तो y को इक्वल कर सकते हैं ठीक है कुछ बच्चे यहाँ पे डेसिमल रिमूव करना चाहते हैं कुछ के स्कूल में सिखाया जाता है कि 10 से मल्टीप्लाई कर दो जरूरत नहीं है लेकिन आपको किसी पे फोकस करना चाहिए कि डेसिमल में भी हम सॉल्व कर सकते हैं अब आप बच्चे मुझे बताइए कि अगर मुझे y को इक्वल करना है तो y को इक्वल करने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूं श्रेया बताओ y को इक्वल करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं फिर कौन सी इक्वेशन को बेटा दोनों को करना पड़ेगा ना अगर ऊपर वाली को 5 से करेंगे नीचे वाली को 3 से वेरी नाइस आपको ध्यान से देखो बेटे y अगर हम इक्वल करना चाहते हैं तो 3 हमारे पास है और 5 हमारे पास है तो एलसीएम हमारे पास होगा 15 तो अगर 15 होगा अब ध्यान से देखो अगर एलसीएम भी ना समझ में आता हो तो जो कोएफिशिएंट नीचे वाले का है उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो और जो ऊपर वाला है उससे नीचे वाले को मल्टीप्लाई करें एलसीएम भी नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन में 5 है 0.5 की जगह 5 ही कंसीडर करिए तो इस फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपको करना है तो हम क्या कह रहे हैं इक्वेशन 1 ये तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ऊपर लिखता हूँ अदरवाइज ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है आप तो सिर्फ यहाँ से लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और क्वेश्चन सॉल्व बस इतना ही करना होता है इस तरह के क्वेश्चन में बताओ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 5 10 हो जाएगा यानी कि 1.0 फिर 5 से करोगे 5 3 जा 15 फिर 5 से करोगे 65 सर 1.5y ठीक है बेटे ये अब आप 3 से करो नीचे वाले को 3 4 अच्छा सॉरी y यस यस सर 1.2 ठीक है 3 4 जा 12 1.2x 3 5 जा 15 1.5y 23 3 जा 6.9 सबको समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ यस सर गुड आपके पास y इक्वल हो गया अब आप बताओ y के दोनों के साइन सेम है अपोजिट है सेम है सर प्लस करना है माइनस करना है माइनस श्रेया कहाँ गई श्रेया ये डांट दिया सर ने इतनी जोर से बताओ बच्ची को छोटी सी ओह यस अब आप करेंगे सब्ट्रैक्ट अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइंस चेंज हो जाएंगे सारे पॉजिटिव हैं सबका साइन माइनस हो जाएगा माइनस करिए x हमारे पास है 1 माइनस 1.2 तो माइनस में 0.2 आएगा 0.2x y कैंसिल हो जाएगा 6.5 माइनस 6.9 क्या आएगा सर जी माइनस 0.4 यस और नो ठीक है यस सर पॉइंट माइनस से माइनस कैंसिल पॉइंट से पॉइंट कैंसिल 2 से 4 2 टाइम कैंसिल व्हाट इज x 2 That's it. X is equals to 2. आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं 1 में 2 में 3 में 4 में जहां चाहे रख दीजिए तो put in 1. What is 1? 1 था हमारे पास 0.2x. So x हमारा आ गया 2.
प्लस हमारे पास था 0.3y इज इक्वल टू 1.3y3 टू जा कितना हो गया सर 4.4 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 0.3y 13 माइनस 4 9 होता है पॉइंट से पॉइंट कैंसिल y इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 3 सब बच्चों को समझ में आया क्या बताइए यस सर यस सर यस सर आपको करना क्या है या तो आप x को इक्वल करो या आप y को इक्वल करो जब आप इक्वल करो साइन चेक करो कि इक्वेशंस को ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है ये हमारे पास है जरा मुझे इसका आंसर दो जल्दी से सेकंड्स के अंदर मजाक करनी है बस मजाक वाला ही क्वेश्चन है लेकिन आपका यहाँ पे जहन होना चाहिए सब बच्चे थोड़ा जल्दी से बताएंगे ये हमारे पास इक्वेशन है और मैं इसको कह रहा हूँ कि आप सॉल्व करो इन इक्वेशंस को बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड हमें x को इक्वल करना है या नहीं प्रैक्टिस कराता है क्वेश्चन कि अगर आपको x को कैंसिल करना है प्लीज आप सब बच्चे ध्यान से देखिए जरा हर क्वेश्चन में अलग अलग चीजें मिलेंगी तो फोकस करोगे तो सीखने को मिलेगा अगर मुझे यहाँ x को कैंसिल करना है तो मैं क्या कर दूं मैं कर दूं 1-2 क्या कर दूं 1-2 अगर मैं 1-2 करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा तो आपका x कैंसिल होगा बेटे ध्यान से देख लीजिए और y हो जाएगा 2y 14-4 हो जाएगा 10 तो आपके पास सीधा आएगा y is equals to 5 yes or no yes sir लेकिन अगर आप चाहते कि नहीं सर मैं तो y को कैंसिल करना है यहाँ पे एक्चुअली क्या है x भी सेम है और y भी सेम है तो इसमें क्या है आपको दोनों चीजों की प्रैक्टिस हो रही है कि कहाँ पे हमें प्लस करना होता है और कहाँ पे माइनस करना होता है इन दिस केस y के साइन अपोजिट हैं अगर मुझे y को रिमूव करना है तो मुझे सब्ट्रैक्ट नहीं करना है मुझे क्या करना है सर सिंपली ऐड करना ऐड करना है अगर आप ऐड करोगे बेटे y एज इट इज कैंसिल हो जाएगा x और x 2x 14 प्लस 4 18 18 तो x इज इक्वल्स टू 9 सबको आईडिया हुआ क्या करना होता है जी सर यस सर यस सर If we have variable same with same coefficient, तो आपको depend करता है कि what sign we have. If both sign opposite, just add करिए. If both sign same, subtract करिए. Is this clear to all of you? Yes, sir. Sometime होगा क्या बेटे? Please देख लीजिए. आगे कुछ questions आएंगे इस तरह से. और आपका time बचेगा अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग में calculation करना सीख लेंगे. ये चैप्टर 3 तो मैं सब बच्चों से ये कहता हूँ कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए है फोकस बढ़ाने के लिए है कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ये चैप्टर 3 तो सिर्फ है ही सीधे देखो इधर जा ध्यान से आपको दिमाग में सॉल्व करना है पूरा क्वेश्चन ये मेरे पास 1 है ये मेरे पास 2 है मैं आपसे कहूँ 1+2 कोई सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं रहती 1+2 y कैंसिल 2x इज इक्वल टू 18 तो सिंपली x इज इक्वल टू 9 यस और नो यस सर यहीं पे कोई जरूरत नहीं है x को 9 रखो 1-2 माइनस करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा y कितना होगा 2y 14-4 कितना होगा 10 y इज इक्वल टू क्या आएगा 5 दैट्स इट कुछ समझ में आया नहीं आया यस सर आपके पास कुछ इक्वेशंस ऐसी आएंगी बेटे कि जहां पे इस तरह से होगा तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी हम सीधा एक बार प्लस कर देंगे एक बार माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा तो ये दूसरा मेथड है और ये मेथड कहलाता है आपका इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड सर सही है चलो अब जरा एक बार आप बच्चे करो फिर मैं करता हूं इस क्वेश्चन पार्ट करिए सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन को करो सबके सर इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिए सब बच्चे पहले एक मिनट दो मिनट आप लीजिए फिर मेरे साथ करना कि आपको सही से आया नहीं आया डू इट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सब बच्चे ट्राई करें प्लीज सब्स्टिट्यूशन
सर y 3 है वेरी गुड सर y 3 एंड x 2 x 2 यस सर y 3 x 2 Yes, sir. देखो yes, आप सब बच्चे हमारे पास yes, क्या है हमारे पास क्या है प्लीज चेक कर लीजिए अगर आपने किसी ने कुछ गलत किया है तो ये वन ये टू मेंशन करेंगे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारे पास क्या है हमारे पास है 3x by 2 minus 5y by 3 is equals to minus 2 आपको क्या करना है x को एक साइड रखिए 3x by 2 is equals to 5y by 3 plus हो जाएगा minus 2 LCM ले लीजिए 3x by 2 LCM होगा 3 5y minus 6 again cross multiplication 2 से आप multiply करेंगे 3 से आप divide करेंगे तो आपके पास आएगा x is equals to 2 5 जा 10y minus 12 upon 3 3 जा 9 तो ये हमारे पास आ गया इसको हम कहेंगे third इसको आप put करेंगे in second as it is जैसे हमें नजर आ रहा है वहीं पे आप रख दीजिए put in 2 आपके पास x ये है प्लीज ध्यान से देखेंगे यहां सेकंड इक्वेशन तो आपके पास x कितना आया है अभी हमारे पास 10y minus 12 upon 9 बट ऑलरेडी हमारे पास है upon 3 and plus y by 2 is equals to 13 by 6 यहां से आपकी इक्वेशन का सॉल्यूशन स्टार्ट होगा ये प्लीज ध्यान से देख लीजिए सब बच्चों को यहां कंफ्यूजन होता है 3 जो है 3 अपॉन 1 है तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 27 एक बार और हम लिख रहे हैं 10y minus 12 by 27 और यही चीज मैं आपको कह रहा था कि डिपेंड करेगा अगर वहां पे क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है आपके एग्जाम में सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड तब तो आपको पर्टिकुलर मेथड लेना है अदरवाइज आपको खुद चूज करना है कि कौन सा मेथड हमारे लिए इजी रहेगा तो इस मेथड इस वाले क्वेश्चन में अगर हम एलिमिनेशन यूज सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे थोड़ा सा लेंथी होगा तो अच्छा है इसको हम एलिमिनेशन से करें तो 10y minus 12 by 27 plus y by 2 is equals to 13 by 6 ये हमारे पास हो गया अगेन एलसीएम ले लीजिए 27 2 जा 54 20y minus 24 plus 27y is equals to 13 by 6 ये आपके पास आप सिंपलीफाई करिए 6 9 जा हमारे पास कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा 39 जा हमारे पास क्या हो जाएगा 117 तो 20y plus 27y हमारे पास क्या होगा 47y minus 24 is equals to 117 24 प्लस हो जाएगा तो आपके पास क्या आएगा 47y is equals to 141 अगेन ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स तो y is equals to 3 यस और नो यस सर ठीक है y is equals to 3 जो आपके पास थर्ड आया था थर्ड था आपके पास 10y minus 12 by 9 तो आप क्या करेंगे put in third तो put in third क्या हो जाएगा x is equals to 10y minus 12 by 9 तो 30 minus 12 18 18 by 9 is 2 so x is equals to ये हमारे पास दो मेथड हैं बेटे सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड एक क्वेश्चन करिए चलिए सब कुछ जरा ये क्वेश्चन करिए बेटे जरा जल्दी से सब बच्चे इसको करिए आप सब बच्चे एलिमिनेशन एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट कोशिश करिए जरा
जब आप एलिमिनेशन मेथड की बात करते हैं बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, तो आपको एक्स को या वाई को इक्वल करना होता है। और मैंने आपसे कहा है जब एलसीएम भी समझ में ना आए तो आप क्या करो, जो आपके पास सेकंड इक्वेशन का नंबर है, तो सेकंड इक्वेशन में जो नंबर है बेटे वो रूट थ्री है, उस रूट थ्री से फर्स्ट इक्वेशन को बच्चे मल्टीप्लाई कर देते हैं। और फर्स्ट इक्वेशन में जो बेटे हमारे पास रूट एक्स का कोएफिशिएंट है वो रूट टू है बेटे, टू नहीं है, प्लीज ध्यान से देख लीजिए। अगर बच्चे आपने यहाँ से थ्री और टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, रूट के साथ लेना है, तो रूट टू रूट थ्री। तो आप क्या करिए बेटे, यहाँ पे आप इसको रूट टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहला पार्ट तो आपको यही करना है। अब यहाँ इसको लिखिए, वहां तो सिर्फ हम समझने के लिए करते हैं, इक्वेशन वन मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री एंड इक्वेशन टू। प्लीज ये ध्यान रखिएगा बेटे कि आपके पास कोई भी स्टेप ऐसा ना हो कि एग्जामिनर आपके मार्क्स कट करे, ठीक है? तो आप उसे सब कुछ स्टेप्स क्लियर करके चलिए। जिसको भी शौक ये है कि मेरे फुल मार्क्स आए तो कोई स्टेप ऐसा मत रखिए आधा अधूरा कि एग्जामिनर समझ ना पाए कि कहां से आया, या ये ना सोचे कि आप चीटिंग कर रहे हो, ये एग्जामिनर को होता है। इक्वेशन टू मल्टीप्लाई बाय रूट टू, ये आपने किया बेटे, तो अब आप करिए क्या आएगा, रूट थ्री इंटू रूट टू इन फर्स्ट इक्वेशन बेटे, तो रूट थ्री इंटू रूट टू विल बी रूट सिक्स एक्स, रूट थ्री नाइन होता है, रूट नाइन लिखना चाहो नाइन लिख लो, नहीं तो थ्री वाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू जीरो। एंड सेकंड में आप करोगे रूट टू रूट थ्री रूट सिक्स एक्स, ठीक है बेटे, टू एट जा सिक्सटीन होता है तो फोर हो जाएगा, फोर वाई इज इक्वल्स टू जीरो। नाउ यू हैव एक्स कोएफिशिएंट सेम, आप प्लीज मुझे बताएंगे एक्स दोनों सेम साइन है या अपोजिट साइन है? सेम साइन है सर। तो आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है? सब्ट्रैक्ट। यस, तो आप करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन अपोजिट हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, जीरो पे कोई साइन लगाओ मत लगाओ, अब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3 प्लस 4 कितना आएगा बेटे? 7y इज इक्वल्स टू 0, तो y विल बी 0/7, तो 0/ समथिंग इज 0 ऑलवेज, तो y आपका आंसर आ गया 0। अब आप इसे क्या करिए, पुट इन 1 2 3 जहां चाहे रख दीजिए। तो 1 हमारा क्या था, रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई, तो रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई, वाई इज जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, तो रूट थ्री इंटू जीरो इज जीरो, तो आपके पास अगेन क्या आ गया, रूट टू एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, सो एक्स इज इक्वल्स टू जीरो बाई रूट टू एंड जीरो बाई रूट टू विल बी जीरो। सो आपके पास फाइनली आंसर आया है एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो। यस और नो? हाँ भाई, यस सर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था, तो एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो ये दो मेथड थे। लास्ट फाइनल मेथड हमारे पास क्या होता है, ध्यान से देखिए आप सब बच्चे, फास्टेस्ट मेथड है, ध्यान से समझ लीजिएगा। a1 x प्लस b1 y is equals to c1। तो ये a b c को ही आपको फोकस करना है, a2 x प्लस b2 y is equals to c2। एक्चुअली होता क्या है, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप बस सबकी सब बच्चे ध्यान से देखिए, पहले लिख लीजिए फिर इसका प्रोसीजर भी समझाता हूँ। आप अपने हाथ से x वाले टर्म्स को कवर करिए, x वाले टर्म्स को आप कवर करिए ऐसे जो आपको विजिबल ना हो, तो ये x के टर्म्स आपने कवर कर लिए, विजिबल नहीं होंगे तो मैं इन्हें हटा ही देता हूँ आपके सामने, ये हमारे पास होंगे, और आप इसमें से वेरिएबल भी हटा दीजिए, तो वेरिएबल क्या था हमारे पास, वेरिएबल था वाई, तो वाई भी हटा दीजिए, तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है टॉप टू बॉटम, जिसे कहना चाहिए ऊपर से नीचे डाउनवर्ड्स, अपवर्ड टू डाउन, तो b1 c2 फिर नीचे से ऊपर b2 c1। तो अगर आप x को कवर कर रहे हैं और आपने मल्टीप्लाई किया है b1 c2, जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपको लिखना है माइनस b2 c1, ये आपको प्रोसेस रखना है। तो ये जो रेशियो होता है x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, हमारे पास इक्वेशन क्या है,
हमारे पास है ए वन एक्स और हमारे पास क्या है ए टू एक्स और बी वन के साथ हमारे पास क्या है y और ये क्या है y. तो आपने पहले x को कवर किया और उससे आगे वाले जो नंबर्स हैं जो कॉफिशेंट्स हैं आपने उससे मल्टीप्लाई किया इज इक्वल्स टू. अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं बेटे, अब आप y को कवर करिए इन द सेम वे, y नजर नहीं आना चाहिए. तो अगर आपने y को कवर किया है तो आपके पास y से आगे कॉफिशेंट कौन से हैं? सी. यस, तो आपको c से मल्टीप्लाई करना है ऊपर से नीचे. तो अब आपके पास क्या आएगा बेटे, y अपॉन और हमारे पास आएगा c1 a2. y से नेक्स्ट टर्म लेना, ध्यान रखना, फिर नीचे से ऊपर, फिर नीचे से ऊपर c2 a1 is equals to. ठीक है बेटे, प्लीज प्रोसेस जो सीक्वेंस है बेटे वो c2 a1 ही रखिएगा तो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए, क्योंकि मैं अभी लिखूंगा दोबारा से इनको तो आपको और अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि सम टाइम हम प्लस माइनस में गलती कर देते हैं. तो ये अब हमारे पास x भी हो गया बेटे, y भी हो गया. अब आप क्या करिए बच्चे, अब आप कवर करिए कांस्टेंट को यानी कि c को. अब अगर आप c को कवर करेंगे तो सीक्वेंस ऐसे ही आना है. तो अब आपके पास बचेगा a1, तो ऊपर से नीचे a1 b2 और नीचे से ऊपर a2 b1. लेकिन आप जब कांस्टेंट ले रहे हैं तो कांस्टेंट के साथ आपको साइन लेना है माइनस का, माइनस वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन. ये हमारे पास, तो ये तीनों रेशो सेम होते हैं, बस इतना ध्यान रखना है. अभी मैं दोबारा से लिख के बताऊंगा कि हुआ क्या है. तो अगर आपके पास इक्वेशन है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू, तो बेटे x को कवर करो b1 c2 माइनस b2 c1, y को कवर करो c1 a2 माइनस c2 a1, और अगर फिर आप कांस्टेंट को कवर करेंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1. तो दीज ऑल थ्री रेशियोज आर इक्वल. इफ ऑल दीज थ्री रेशियोज आर इक्वल, और ये हमारा सॉल्यूशन कैसे आता है, ये सॉल्यूशन आप सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से निकाल सकते हो. तो अगर हम x को फाइंड करना चाहते हैं तो आप सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, ये जो टर्म है x अपॉन, इसको आप माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डायरेक्ट x की वैल्यू आ जाएगी. और अगर आप y की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो y अपॉन जो c1 a2 माइनस c2 a1 है अभी हम करेंगे, इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है सर, आप दोबारा से देखिए हो क्या रहा है. मैं दोबारा से फिर इस फॉर्मूले को बता रहा हूँ. हमारे पास जो इक्वेशन है बेटे, हमारे पास जो इक्वेशन है उनमें सिर्फ कॉफिशियंट दिमाग में रखिए, a1x b1y c1 a2x b2y c2. तो मैं आपसे कह रहा हूं सिर्फ कोफिशिएंट को ध्यान रखिए, a1 b1 c1 a2 b2 c2. अच्छा एक चीज और सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, सब बच्चे एक चीज और ध्यान से देख लीजिए, सम टाइम किसी बुक में ऐसे लिखा होगा, आपके राइट साइड जीरो होगा, c1 c2 लेफ्ट साइड होगा, तब उस फॉर्मूले में माइनस वन यूज नहीं होगा. प्लीज ध्यान से देख लीजिए सब बच्चे, माइनस c1 वहां पे माइनस नहीं होगा, वहां पे प्लस वन लिया होगा. स्पेशली आर एस अग्रवाल मेंशन करता है इस फॉर्मूले को, अगर आपके पास कांस्टेंट c1 c2 लेफ्ट साइड है तो डोंट टेक माइनस वन, टेक इट प्लस वन. लेकिन अगर आप c1 c2 राइट साइड ले रहे हैं फिर आप माइनस वन लेंगे. मैं आपसे क्या कह रहा हूँ सब बच्चों से, प्लीज बेटे थोड़ा सा सुन लीजिए, बस टाइम खत्म हो गया है, टाइम अप हो गया, थोड़ा सा समझ लीजिए. मैं आपसे कह रहा हूँ सिर्फ आप जो है कॉफिशियंट को ध्यान रखिए, ए वन एक्स बी वन वाई सी वन ए टू एक्स बी टू वाई सी टू, ये हमारे पास है ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू. मैं आपसे कह रहा हूँ ये अगर प्रोसेस है आपके पास, ए सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, ये प्रोसेस है ए बी सी. तो अगर हम इसको राउंड में लें तो ये सर्कल बनेगा, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए. तो इस सी वन के बाद एक और आप ए वन ए टू लिख लीजिए एक्स्ट्रा, तो आपको वैल्यू हमेशा याद रहेगी ए बी सी ए, ए बी सी ए. फिर आप ध्यान से देखिए सब बच्चे, फर्स्ट टू के टू को लीजिए एक्स के लिए,
तो आपके पास क्या आएगा, सॉरी हम b से लें तो ज्यादा अच्छा है, यहां से, क्योंकि x वाले के लिए b से आएगा। एक सेकंड, हमारा x जो है bc के लिए है, तो ये a यहां ना लेके हम यहां से यहीं पे लें, और फिर हम इसको ले लें b को, b1 b2 ये ले, क्योंकि a1 हमें नहीं लेना। तो फर्स्ट टू जो हमारे होंगे वो हमारा x के लिए होगा, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू, नेक्स्ट टू जो होगा वो हमारा y के लिए होगा, y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1, एंड नेक्स्ट टू हमारा कांस्टेंट के लिए होगा माइनस वन ए वन बी टू ए टू बी वन। ये तीन रेशोज हैं, कैसे काम करते हैं वो देख लीजिए दोबारा से। अभी आपने क्वेश्चन लिया था बस इसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, नेक्स्ट इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि क्वेश्चंस को हम ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करें। ये है बेटे, देखो कितना फास्टेस्ट मेथड है, कुछ नहीं करना है सॉल्यूशन में, डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, वैल्यूज लिखनी है सॉल्यूशन, एक्स अपॉन, सब बच्चे देख लीजिए जरा, तो एक्स को कवर करिए, एक्स को कवर करने का मतलब आपने इस एक्स को कवर कर लिया, तो सिर्फ नंबर्स को देखिए, 0.3 इंटू 2.3, 0.3 इंटू 2.3, नीचे से जब ऊपर आएंगे तो माइनस 0.5 इंटू 1.3, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जी सर। अब आपने x को, अब आपने x को यूज कर लिया, अब आप y को कवर करिए, अगर आप y को कवर करेंगे तो y से नेक्स्ट 1.3 नजर आ रहा होगा, तो 1.3 को मल्टीप्लाई करिए 0.4 से, y अपॉन 1.3 इनटू 0.4, नेक्स्ट स्टेप में सीधा आंसर आएगा माइनस 2.3 इनटू 0.2 इज इक्वल्स टू माइनस 1, क्योंकि आपके कांस्टेंट राइट साइड है तो माइनस 1 होगा। अब जब माइनस 1 हो गया आपके पास, तो आपको लेना है a1 b2, तो आपको 0.2 से मल्टीप्लाई करना है 0.5 को, अगर आप डायरेक्ट भी करते रहेंगे कैलकुलेशन तो भी इसी है, और 0.4 इनटू 0.3, ये है बेटा आंसर, बस 0.3 ये आंसर है। क्या क्या आया ध्यान से देख लीजिए, x अपॉन 6.9 माइनस 6.5, y अपॉन 5.2 माइनस 4.6 माइनस 1, 2.5 जा 10, 4.3 जा 12, ये आपके पास आया है, ठीक है सर? गलत कर रहे हैं ना हम थोड़ा सा, क्या गलत कर रहे हैं कोई बताएगा? टू डेसिमल प्लेस में आएगी आपकी कैलकुलेशन, प्लेस में? यस सर 0.69, ये आपके पास आएगा 0.69 माइनस 0.52 माइनस 0.01 माइनस 0.12, तो ये क्या आ गया बेटे 0.04, ये क्या आया, सॉरी x अपॉन, ये क्या आया 0.06, ये क्या आया 0.02, लेकिन ये माइनस में आएगा, माइनस माइनस, तो देखो x की वैल्यू क्या आ गई 0.04 अपॉन 02, पॉइंट पॉइंट कैंसिल, 2 जा 4, y की वैल्यू कितनी आ गई 0.06 अपॉन 0.02, 2 3 जा 6,
तो ये मेथड है बेटे, नेक्स्ट क्लास में फिर इसी को डिस्कस करेंगे। तो ये मेथड कहलाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कहाँ होता है? कहाँ होता है? देखो सर मैं दिखा रहा हूँ आपको कहाँ यूज होता है। आपके पास एक्सरसाइज है 3.7 लास्ट एक्सरसाइज, और उसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके सारे क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व होंगे। ये देखो इस तरह के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तब यही मेथड यूज होगा। इनमें कहीं नंबर नजर नहीं आएगा आपको, लास्ट वाले क्वेश्चन में उसका मेथड दूसरा होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम सब्स्टिट्यूट इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही जल्दी से जल्दी कर। कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया सब बच्चों को? यस सर। इस मेथड में प्रॉब्लम है? नो सर। आज मैंने कोशिश सिर्फ इतनी करी है कि पहले मैं आपको तीनों मेथड बता दूं। कल हमने सब्स्टिट्यूशन लिया था, कल इंशाल्लाह फिर दोबारा से हम एलिमिनेशन मेथड को डिटेल में लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन खोलेंगे, क्योंकि पहले सॉल्व करना ही सीखना है और फिर इनकी हेल्प से फिर वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है सर? अच्छा ये होगा कि अगर आप होगा थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहें। कल मैंने आपको कहा था एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 ओनली, आज मैं आपसे कह रहा हूँ एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 ओनली, नथिंग एल्स। 4-5 पार्ट्स हैं, तो सब बच्चे इत्मीनान के साथ सिर्फ 4-5 क्वेश्चन रोज करते रहे। किसी बच्चे को ज्यादा तो नहीं लग रहा है मुझे, बताइए डेली क्लास? नो सर। हाँ भाई कोई भी बच्चा ये फेस कर रहा हो कि सर ज्यादा हो गया, हम स्कूल का नहीं कर पा रहे हैं या कुछ ऐसा? नो सर। तालियां तो बहुत सारी है, बोल नहीं रही है। ये आपके पास है ओनली 4 पार्ट्स हैं, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 4 पार्ट्स। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन। मैं आपसे कह रहा हूं सिर्फ एलिमिनेशन से कर लीजिए, ओनली 4 पार्ट्स, और जो मैंने की है अगर आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा। कोशिश कर लेंगे? यस सर। यस सर। किसी को भी अगर प्रॉब्लम आ रही है कि सर ज्यादा हो रहा है तो मुझे बता दीजिए। मुझे तो उम्मीद ये है कि इंटरेस्ट आना चाहिए डेली क्लास में, थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा कि डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, सिलेबस थोड़ा सा ग्रिप में आ जाएगा तो अच्छा लगेगा आप सब बच्चों को। कर लेंगे ना? यस सर। ऑल द बेस्ट।